जय माता दी। कुक विद बबली में आपका स्वागत है। नवरात्रों के व्रत के लिए आज मैं समा के यानी सामक के नमकीन चावल बना रही हूँ। ये एक कटोरी सामक मैंने अच्छे से धो करके लगभग एक घंटा भिगो के रखा है और अब इसका पानी निकाल दिया। और ये एक बड़े साइज का आलू मैंने अच्छे से साफ करके धो के कट कर लिया है। तो बनाते हैं समा के चावल, नमकीन चावल। ये एक चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने गर्म किया है, आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें एक चम्मच जीरा डाल दें, मीडियम फ्लेम पे इन्हें हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर दें। आप इसे ट्राई जरूर करें और फिर मेरे साथ कमेंट शेयर करें कि आपकी ये नमकीन चावल जो है, समा के चावल कैसे बने। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर भी करें। ये आलू हमारे हल्के से सोते हो गए हैं। अब इसमें एक चम्मच पिसा हुआ अदरक, एक चम्मच टमाटो प्यूरी, आधा चम्मच क्रश की हुई काली मिर्च डाल दें। और आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप बारीक काट के हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दें एक छोटा चम्मच नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए साथ दिया गया बेल बटन जरूर दबाएं। अब इसमें ये धुले हुए सामक डाल दें। जिस कटोरी से मेजर करके मैंने ये समा के चावल लिए उसी कटोरी से मेजर करके दो कटोरी पानी का डाल दें। गैस को आप मीडियम फ्लेम पर रखें और इसे 5 मिनट तक ढक कर पकाएं। आप इसे बीच बीच में चेक जरूर करते रहें वरना चावल जल जाएंगे या कढ़ाई के तले के साथ चिपक जाएंगे। ये समा के चावल हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। अब ये गैस ऑफ कर दें। आप अगर लाइक करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें भुनी हुई मूंगफली की गिरी या नारियल की गिरी भी डाल सकते हैं। सो खाते रहें, खिलाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें कुक विद बबली।